चंद लोगों को बसाने के लिए हजारों लोगों को बेरोज करना तो अच्छी बात, अभी इन्होंने जगह ही नहीं सिलेक्ट की तो झील बन जाएगी अगर 4-5 महीने में, तो उसके बाद हमारे को बेरोजगार कर देंगे, हम कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट के आगे तो जाना नहीं, गवर्नमेंट के आगे तो जोर चलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो दबाती है, गवर्नमेंट की जो मर्जी है उसके खिलाफ कैसे चलेंगे हम। बहुत जल्द एक ख्वाब जो जम्मू के लोगों को दिखाया गया था, यानी कि आर्टिफिशियल लेक जो जम्मू में बनने वाली है, या हम कहें कि तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द ही मुकम्मल होने वाला है और जम्मू के लोगों के लिए एक सुनहरा जो हम कहें कि वक्त भी आने वाला है, जिसमें आर्टिफिशियल लेक का जो दावा या वादा किया गया था सरकार की जानिब से वो पूरा होगा और जिसके बाद जम्मू शहर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर एक बड़ा मुकाम जो है वो मिलेगा। लेकिन वहीं पर कुछ मसाइल ऐसे भी हैं, यानी कि हम अगर बात करते हैं विक्रम चौक से लेकर हम बेली चराना तक की बात करते हैं या भगवती नगर तक की बात करते हैं, तो ये इलाका जो है ये पूरा जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इस अंदर आता है, जिसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मंसूबे जो हैं उसके बनाए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि अगर ये रिवर फ्रंट जो तवी है इसका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है उसके बाद वेयर हाउस को किस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा और किस तरीके की मुश्किल जो है वो देखनी पड़ेंगी। नमस्कार मैडम जी, मैं संजय गुप्ता, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल विक्रम चौक जम्मू। मैम, झील तो बन रही है तो खुशी की बात है, झील बनेगी, चंद लोगों को रोजगार मिलेगा, चंद लोगों के लिए हजारों लोगों को बेरोजगार करना कोई अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट पहले हमारे व्यापार के बारे में सोचे कहाँ शिफ्ट करना है, अगर इधर ही कोई ऐसा अच्छा सा प्रोसीजर बना के इधर ही शिफ्ट कर दें, इधर ही रखें को खूबसूरत सी मार्केट बना के, ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, गाड़ी वाले हैं, लेबर वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इधर से दूर शिफ्ट करके तो वहाँ पे तो मार्केट चलेगी नहीं, क्योंकि जिसने कोई रिटेल दुकानदार है 20-25 हज़ार रुपये लेके जम्मू सिटी वाला इधर आके सामान लेके जाता है, जब इधर से हमको सांबे में शिफ्ट करेंगे तो उधर कौन आएगा इतनी दूर, 25 हज़ार का सामान लेने के लिए 2-3 हज़ार रुपये वो किराया कहाँ खर्च करेगा। चंद लोगों को बसाने के लिए हजारों लोगों को बेरोजगार करना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये स्टेट लैंड है, तो इस पर आपको पहले से इस चीज के लिए आगाह किया गया था कि ये स्टेट लैंड है, कभी भी आपको हटाया जा सकता है, तो अब आपको ऐतराज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो एक जगह, तो आपकी जो जेन्युइन डिमांड है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है छिन जाएगा, लेकिन आपको पहले से इस चीज के लिए आगाह किया गया था? मैडम, किसी ने बोला 70-70 साल से इधर लोग रोजगार कर रहे हैं, उनको और एकदम आप उजाड़ोगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, कहाँ पे हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे बैठी हुई, तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में तो पहले सोचना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट बनाया, काम शुरू करने से पहले हमारे जो ट्रेडर के प्रधान है, चैम्बर वाले, उनके साथ बात करनी चाहिए थी, उनको जगह दिखा, अभी इन्होंने जगह ही नहीं सिलेक्ट की तो झील बन जाएगी अगर 4-5 महीने में, तो उसके बाद हमारे को बेरोजगार कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? पहले उसके लिए तो कोई प्लान बनाए कि कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ रखना है। देखो मैडम, अगर आज ये जगह देते हैं उसके लिए मार्केट तैयार करने में तो समय लगता है, रोड चाहिए, रोड की कनेक्टिविटी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी चाहिए, लाइट की चाहिए, तो 2 दिन में तो वो होगा नहीं, उसको गवर्नमेंट को पहले 3-4 साल पहले ये सिस्टम रखना चाहिए ना, और वो एकदम बोलेंगे कि 2 महीने के बाद आप खाली करो जी। तो बिजनेस भी तो तैयार करना है, सारा सिस्टम तैयार करना है, जीएसटी के नंबर शिफ्ट कराने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा? तो ये जो कहा जा रहा है कि राया सांबा में जो है इसको शिफ्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो आपको इतला मिली होगी ना कि अगर राया में शिफ्ट किया जाता है तो फिर आपको वहीं पे शिफ्ट होना होगा। तो मैडम, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, व्यापार के चैम्बर है, ट्रेडर फेडरेशन है, बिजनेस वाले हैं, उनके साथ बातचीत तो करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने घर बैठे ही ये बोल रहे हैं ना कि राया मोड़, क्या पता इनकी प्लानिंग है राया मोड़, इनके पास इतनी जगह भी है कि नहीं, इसके लिए 100 कितने 100 कनाल जमीन चाहिए, नेहरू मार्केट बेरोस विक्रम चौक जी शिफ्ट करना, उसके लिए जगह भी तो ज्यादा चाहिए ना मैडम, इनकी जगह भी तो होनी चाहिए राया मोड़ में। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि क्या हल होना चाहिए इस मुश्किल का? मैडम, बिजनेस के जो व्यापारी संस्था है उनको बुला के, उनको बैठा के तो समझाना चाहिए, गवर्नमेंट का इनका फर्ज बनता है कि हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे जो चैम्बर के हैं, ट्रेडर फेडरेशन, हमारे ट्रेडर फेडरेशन के प्रधान है दीपक गुप्ता जी, उनको साथ लेके जाए, जो टीम सेलेक्ट कर रही है जगह उनको भी तो दिखाएं कि यहाँ पे आपको शिफ्ट कर रहे हैं, आपके काबिल है भी है कि नहीं, रोड कनेक्टिविटी है, बिजनेस पहुँच चलेगा भी कि नहीं चलेगा वहाँ पे जी। देखो, ये झील बनाएंगे 6 महीने तक, तो गवर्नमेंट ने बोल रही है कि दिसंबर तक शुरू हो जाएगी झील, तो उसके 6 महीने में ये हमारे को जगह दे देंगे, अगर दूसरे डिपार्ट, क्या पता वो फॉरेस्ट लैंड हो,
उसको दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना तो कागजों में उसमें भी तो टाइम लगता है, तो मैडम इतनी जल्दी कैसे होगा, जहाँ तो टाइम दे, जहाँ तो अगर इन्होंने शिफ्ट करना ही है तो उधर भी तो शुरू करें। झील में कितना 100 आदमी का काम मिल जाएगा, 200 आदमी मिल जाएगा काम, इधर तो हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। देखो इधर तो आना बहुत ही आसान है, देखो जो खनूर से आता है इधर पहुंच जाता है, पुंछ से सेंट्रल हब है यहाँ पे, तो वहाँ तो जाना मुश्किल ही है ना। तो अगर क्या करेंगे अगर अचानक से आपको नोटिस आ जाता है, क्योंकि स्टेट लैंड पे तो अचानक से ही नोटिस आ जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, तब क्या होगा? मैडम जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट के आगे तो जाना नहीं, गवर्नमेंट के आगे तो जोर चलता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो दबाती है, गवर्नमेंट की जो मर्जी है उसके खिलाफ कैसे चलेंगे हम। हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं कि प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कोई अच्छी बात है, जम्मू में टूरिस्ट आएगा, मगर हमारे लिए भी तो सोचना चाहिए, जिनका रोजी रोटी चल रहा है, जो 70-70 साल से यहाँ पे बैठे हैं, पहले उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। टूरिस्ट और बाद का 2 दिन आएगा घूम के चला जाएगा, जो इधर 70-70 साल जिनको बैठे हुए वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। नई जगह जाके काम स्टार्ट करना चलाना वो तो बहुत मुश्किल काम है ना। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं, जो तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होने वाला है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैडम हम तो बोलते हैं कि टूरिस्ट प्लेस बोरमर बढ़ाए, मगर जो वहाँ से बेरोजगार होंगे उनके बारे में तो सोचना, अच्छी बात है जम्मू में टूरिस्ट आएगा, साबरमती के जैसा ये प्रोजेक्ट है, इसको बनाने में तो अभी मेरे को नहीं लगता कि 6 महीने में ये तैयार भी होगा। ये पहला फेज जो है वो सितंबर तक क्या रहेंगे हो जाएगा डेडलाइन? मैडम बहुत डेडलाइन हो गई है, अभी कितनी बार बढ़ाएंगे ये? हाँ। अभी इनके पास पिलर ही नहीं उसके बने, तो कहाँ ये करेंगे, इतनी देर हमारे बारे में भी सोचे, हमारे को तो जगह दें कोई, ये आपने वहाँ शिफ्ट होना है, वहाँ तैयारी करो आप, हम भी तो तैयारी करें। तो अभी इंतजामी की जान से आपकी, आपको कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है, कुछ नहीं बताया गया? नहीं मैडम, बाहर से ऐसे हवाएं उड़ रही हैं, वहीं से सुन रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आर्डर नहीं कोई। चलिए बेहद शुक्रिया, ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता जी, जिनका कहना है कि अगर कोई ऐसी बात होती है या इंतजामिया को यहाँ के प्रेसिडेंट से या प्रधान से मिलकर बातचीत करनी होगी कि अगर ये वेयरहाउस को यहाँ से शिफ्ट करना है, उससे पहले जो है ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पर इसके मुकाबले में जगह हो, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विसेज है वो हो, और जिसके बाद जो है ये वेयरहाउस का ये जो पूरा इलाका है इसको शिफ्ट किया जाए।